रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर इस्तखारा भी करवा सकते हैं। और अगर इंशाल्लाह आप अगर चाहते हैं कि आपको दुआ में भी शामिल कर दिया जाए तो इंशाल्लाह आपको दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा जो जामिया दुआ मदारिस में होती है। नंबर दो, आपसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स बहनों के आ रहे हैं, भाइयों के आ रहे हैं, चेहरे के दानों के लिए, रंग साफ करने के लिए, और बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर का इंतजाम किया जा रहा है। मैंने पूरी कोशिश है कि जो हमें वो टिप्स सेंड करेंगी वो मैं आपको पढ़ के आपको सुना दूंगी। जो भी आपके कमेंट्स बॉक्स में जितनी भी आपके कमेंट्स हैं वो हम सेव कर रहे हैं। जो जो आप टिप्स मांग रहे हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, और ये होगा कि आपको काफी फायदा भी उससे होगा। तो अब चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद है। वो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मना लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं, तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं, ज्यादा तकसीम या जमा या जखीरा करने की हवस जो है वो नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं। दिल के अंदर हसद, बुगज और कीना नहीं रखते। मट्टी के घर बनाते हैं, खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि दुनिया बाकी रहने वाली चीज नहीं है बल्कि खत्म हो जाने वालों में से है। सुबहान अल्लाह, आप सब भी सुबहान अल्लाह करें। हदीस सुनने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए तो आप जरूर हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक वजीफा बताऊंगी। मेरी बहुत दूर से ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक बहन ने हमें रिक्वेस्ट की है कि अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को, अपनी जो जिनके जिनसे हम बहुत प्यार कर चुके हैं, हमसे वो नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी को कैसे खत्म किया जा सकता है, उनको मनाया कैसे जा सकता है। उनका कहना है कि वो किसी से प्यार करती हैं लेकिन कोई ऐसी बात हुई है से वो नाराज हो गए हैं, और नाराज हो जाने से की वजह से तो अब तक मेरी उनकी सुलह नहीं हुई। कम से कम 5 मंथ हो गए हैं, तो आज उन्हीं के लिए फौरन हाजिर करने वाला आज मैं वजीफा आपको बताने लगी हूं। नाराज, ठीक है, जो तालिब और मतलूब, ठीक है, दोनों में से वो ये वजीफा करें, माफी मांगे, आपके पास आकर ये दुआ करें और सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें। आजमूदा अमल है, सिर्फ चंद दिनों का, 7 दिन, 3 दिन, 7 दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो जाएगा। इसका तरीकाकार ये है, इतवार वाले दिन आप ये वजीफा करेंगे, इतवार वाले दिन करें और पीर वाले दिन, ये 2 दिन है। इतवार वाले दिन आप वजीफा करें। वजीफा करने से पहले आपने टाइम का हिसाब रखना है। मगरिब से पहले कर सकते हैं, मगरिब के बाद कर सकते हैं, तहज्जुद में कर सकते हैं, फजर में कर सकते हैं, इशा में कर सकते हैं, ठीक है, ये वजीफा है। एक बात याद रखें, वजीफों की अपनी एक ताकत है, अपनी एक रहमत है। डॉक्टरों के पास भी चले जाएं ना, वो भी कहते हैं कि हम मेडिसिन कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें। किसी के पास चले जाएं, वो कहेंगे हम दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह पे तवक्कल रखें। मैं भी ये कहती हूँ, किसी के पास जाने से बेहतर है आप अपने रब पे तवक्कल करें, वजीफा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वजीफों से, अल्लाह के जिक्र और जिक्रात से तो वली बंदा बन जाता है। अल्लाह पाक ने कहा था मेरे बंदे नरम नरम बिस्तरों के अंदर बैठ के मेरा जिक्र किया करेंगे, तो आज वही वक्त है। अल्लाह के हम बंदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि मट्टी के घर बनाए और मट्टी के घर तोड़ दिए, तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें होती है जिसके आपको भी जरूरत होती है ना इन चीजों के लिए। तो वजीफा ये है, इतवार वाले दिन आपने ये वजीफा शुरू करना है, पीर वाले दिन भी ये वजीफा कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। नंबर 2, इस वजीफे का जो जिक्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। या रहीम का जिक्र आपने करना है, या रहमान या रहीम, दोनों में से आप कोई भी लफ्ज का मतलब कि आप पढ़ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अत्तर ले लेना है, खुशबू ले लेनी है, आपने खुशबू ले लेनी है, खुशबू के ऊपर ही दम करेंगे, ठीक है। अब आपने खुशबू लेके ना उसके ऊपर दम करना है, दम करने के बाद इंजेक्शन नहीं होता सिरिंज, उसमें से निकाल के वो परफ्यूम के अंदर डाल दें, या तो आप वो परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं जैसे वो लगाएंगे। और मैं कहती हूँ एक दफा बस खुशबू सूंघने की देर है, वो आपकी तरफ दीवाना वार भागते चले जाएंगे। नंबर 2,
ये वजीफा जो मैंने आपको बताया है 131 मरतबा पढ़ना है अव्वल आके दुरूद शरीफ के साथ, दम करना है अत्तर के ऊपर, इत्तर के ऊपर, ठीक है ना, असेंशन ऑयल जिनसे होते हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। तो वो आपने दम करके, तो वो सरिंज होती है इंजेक्शन, इंजेक्शन से आपने उस अत्र को भर के ना, तो आपने जो परफ्यूम्स होते हैं ना उसके अंदर वो आप डाल दीजिएगा। परफ्यूम के ऊपर जब आप ढक्कन उतारते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, वहां से आप इंजेक्शन के जरिए भी आप उसके अंदर इंटर कर सकते हैं। परफ्यूम वही लें जिसके अंदर वो इंटर वाला मतलब सिस्टम हो। अक्सर आजकल तो ऐसे एक्सपेंसिव भी थोड़े से होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर से उसका कैप खोलो तो वो ओपन नहीं हो जाते हैं, तो फिर आप आराम से इसके अंदर भी डाल सकते हैं। आपने वो अगर गिफ्ट कर सकते हैं अपने प्यारों को, वो उनको दे दें, तो देखिएगा वो आपसे बोलना चाहिए किसी मकसद के लिए। आपके हस्बैंड नाराज हैं, आपके कोई अजीज रिकारी नाराज है, कोई आपके चाहने बने। अच्छा, एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका इसका ये है, तसव्वुर बना लें, थोड़ी देर उसका नाम लें, उसको याद करें, उसके बाद ये वजीफा करें, या रहमान या रहीम पढ़ते रहें, दोनों लफ्ज पढ़ लें। तो आप पढ़ने के बाद जो है उसको गैबी मतलब कि दुआ करेंगे, या अल्लाह मैंने इस शख्स के लिए किया है, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए किया, या मैंने इस शख्स के लिए किया है, तो ये वापस मेरे पास पलट आए। यकीन माने 11 दिन भी नहीं होंगे, ठीक है, अगर जितनी आपकी ताकत वजीफे असर रखते हैं, तब जब बुलंदी होती है आपके अंदर। देखिए मैं आपके लिए वजीफा कर दूं, ठीक है, लेकिन उतनी तड़प मुझे नहीं होगी जितनी तड़प आपके अंदर मौजूद होगी। बस तड़प से ही वजीफे कामयाब होते हैं, एक बात याद रखें, आपकी तड़प और ताकत से ही वजीफों के अंदर मोहब्बत और गजब पैदा होता है। तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके लिए जो है आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको प्यार करते थे, आपसे दूर हो गए, वो वापस आ जाएंगे। छोटा सा ये वजीफा ये जरूर कीजिएगा, और हो सके अगर उनको तोहफे में दे सकते हैं तो परफ्यूम में इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके मसला हल हो जाएगा। अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं हमारे चैनल पे आए, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।